धनतेरस पर हर कोई चाहता है कि उसकी घर पर धन की वर्षा हो, लेकिन कई बार धन आपकी थैली में आते आते कहीं और ही चला जाता है। लेकिन अगर आप इस धनतेरस कुछ उपाय करें तो आपकी थैली जरूर भरेगी। धनतेरस से दीपावली पूजन का क्रम शुरू हो जाता है। इस क्रम में अगर कुछ उपाय के साथ माँ लक्ष्मी और धनवंतरी भगवान की पूजा की जाए तो धन की कमी कभी नहीं हो पाएगी। हालांकि एक बात ये भी सही है कि धन पाने के लिए श्रम करना जरूरी होगा। बिना श्रम के तो माँ लक्ष्मी भी आपको धन नहीं देती। अपने श्रम के साथ कुछ अचूक उपाय धनतेरस पर करें तो आपके घर में धन की वर्षा होती रहेगी। आइए जानते हैं वो क्या उपाय हैं जो आपको इस धनतेरस पर करने चाहिए। पहला, धनतेरस की शाम को जब सूरज ढल जाए तो एक दीप जलाएं और उसमें करीब 13 कोड़ियां रखें और उस दीप से माँ लक्ष्मी और धन कुबेर की पूजा करें। आधी रात के बाद 13 कोड़ियां घर के किसी कोने में गाड़ दें। ये उपाय आपके घर में धन की बरसात लेकर आएगा। दूसरा, घर में चांदी के 13 सिक्के रखें और केसर हल्दी लगाकर इसकी पूजा करें। इससे घर में बरकत बढ़ेगी। तीसरा, धनतेरस पर 13 दीप घर के अंदर और 13 दीप घर के बाहर दहलीज पर मुंडेर पर रखें। चौथा, दीपावली पर लक्ष्मी पूजन में हल्दी की गांठ पर रखें। पूजा होने के बाद हल्दी की गांठ को घर में उस स्थान पर रखें जहां धन रखा जाता है। पांचवा उपाय, दीपावली के दिन यदि संभव हो सके तो किसी किन्नर से उसकी खुशी से 1 रुपया लें और सिक्के को अपने पर्स में रखें। इससे बरकत बनी रहेगी। छठा, धनतेरस से दीपावली पर माँ लक्ष्मी यंत्र का पूजन कर विधि विधान पूर्वक इसकी स्थापना करें। यह यंत्र धन वृद्धि करता है। सातवां, धनतेरस या दीपावली की सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि कामों से निपटकर किसी लक्ष्मी मंदिर में जाएं और माँ लक्ष्मी को कमल के फूल अर्पित करें और सफेद रंग की मिठाई का भोग लगाएं। ये सबसे अचूक उपाय है। आठवां, धनतेरस से दीपावली की शाम घर के ईशान कोण में गाय के घी का दीपक जलाएं। पत्ती में रुई के स्थान पर लाल रंग के धागे का उपाय करें। साथ ही दिए में थोड़ी केसर भी डालें। नौवां उपाय, धनतेरस से दीपावली को विधिवत पूजा के बाद चांदी से निर्मित लक्ष्मी गणेश की मूर्ति को घर के पूजा स्थल पर रखना चाहिए। इसके बाद प्रतिदिन इसकी पूजा करने से घर में कभी धन की कमी नहीं होती और घर में खुशी शांति भी बनी रहती है। दसवां उपाय, श्रीकंठा धारा धन प्राप्ति व दूरदर्शता दूर करने के लिए अचूक यंत्र है। यंत्र अष्ट सिद्धि व नवनिधियों को देने वाला है। इसका पूजन व स्थापना भी धनतेरस या दीपावली के दिन करें। तो ये थे वो उपाय जिनको करने से माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बन सकती है। ऐसी ही कई जानकारियों के साथ हम फिर लौटेंगे। नमस्कार।